लेट अस नाउ स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 13.2। यहाँ पे दिया हुआ है टेक पाई एज 22/7। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। सो इसका जो डायग्राम है वो ऐसा दिखेगा, वी हैव अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन इज माउंटेड ऑन इट। इसका जो रेडियस है, कोन का रेडियस दोनों का 1 है एंड यहाँ पे रेडियस का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद कोन की जो हाइट है इट इज़ इक्वल टू द रेडियस, तो हमको इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। सो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। सो इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे टर्म्स क्या आ रहे हैं, दिस इज 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई विच इज 3π/3 विच इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन इज, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाई यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड। अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। सो इसका डायग्राम ऐसा दिखेगा, ये जो मॉडल है एक सिलेंडर है, ऊपर और नीचे कोन है, यहाँ पे इसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, टोटल हाइट इज 12 सेंटीमीटर, कोन का हाइट है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो यहाँ पे एरो करके मैं इस कोन का वॉल्यूम लिखता हूँ। इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर ये नीचे के कोन का भी इतना ही वॉल्यूम होगा, तो हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों कोन्स का वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पे ये सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का टोटल हाइट कितना है, देखो ये टोटल 12 है, तो 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, फिर ये 2 सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज़ 8। तो ये जो सिलेंडर है इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इन दोनों को ऐड करके हमको टोटल एयर का जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। सो इसको आप लिखते हैं ढंग से, यहाँ पे आएगा 1/3 पाई, यहाँ पे है 3² / 4 (2×2)² प्लस अगला टर्म है पाई 3² / 4 (8). दिस इज़ इक्वल टू पाई 3, क्योंकि 4 कैंसिल आउट होगा, 3 कैंसिल आउट होगा, प्लस यहाँ पे आएगा पाई 3² × 2 विच इज़ पाई 3 × 1 प्लस पाई 3 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे 3×2 = 6 बचेगा। सो दिस इज़ पाई 3 × 7, पाई को लिखते हैं 22/7 (3×7) दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। सो इसका ये डायग्राम, एक गुलाब जामुन का जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा, उसका जो लेंथ है, तो लेंथ इसका जो डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर। सो दिस इज 2.8 सेंटीमीटर एंड इसका जो टोटल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी जो नीचे हेमिस्फीयर है इसका जो डायमीटर है वो होगा 2.8 सेंटीमीटर।
तो इसका जो रेडियस है वो कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो 1.4 सेंटीमीटर. नाउ टोटल 5 है, ये 1.4, ये अगर आप निकाल दो तो आपको ये जो बीच का लेंथ है ये मिल जाएगा. ये जो सिलेंडर का हाइट है वो कितना होगा, 5 माइनस 2.8, क्योंकि 1.4 प्लस 1.4 इज 2.8, 5 में से 2.8 हटा दो, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर. तो पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम है वो निकालेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम. सो 2/3 पाई आर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है. फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर इंटू एच, विच इज़ इक्वल टू, नाउ 2/3 पाई को लिखेंगे 22/7, यहाँ पे आएगा 1.4 द होल क्यूब इंटू 2 प्लस पाई इंटू 1.4 स्क्वायर इंटू 2.2, विच इज़ इक्वल टू. दोनों ही टर्म्स में हम लोग पाई कॉमन निकाल सकते हैं, पाई और फिर 1.4 का स्क्वायर. तो ये टर्म बाहर निकल गया, 1.4 का स्क्वायर बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 2/3 बचेगा, यहाँ पे 1.4 इंटू 2 प्लस पाई, 1.4 स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ पे 2.2 आएगा, विच इज़ इक्वल टू. पाई को अब लिखते हैं 22/7, 1.4 का स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स है 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 5.6/3 प्लस 2.2, दिस इज़ इक्वल टू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, एंड यहाँ पे आएगा 5.6 प्लस 6.6/3, विच इज़ इक्वल टू 4.4 इंटू 1.4, तो यहाँ पे ये टर्म आएगा 12.2/3, विच इज़ इक्वल टू. एंड नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस, दिस इज 25.05 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब. अब ये तो आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम. अब इसमें जो वॉल्यूम ऑफ सिरप है, वॉल्यूम ऑफ सिरप वो कितना होगा, इट इज़ 30%. सो 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल गुलाब जामुन, सो विच इज़ इक्वल टू 3/10 इंटू 25.05. इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2.505, विच इज़ इक्वल टू 7.515 सेंटीमीटर क्यूब. अब ऐसे 45 गुलाब जामुन है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना होगा, टोटल सिरप वॉल्यूम इज इक्वल टू 45 इंटू 7.515, विच इज़ इक्वल टू 338.175 सेंटीमीटर क्यूब. अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm, and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. So, इसका जो डायग्राम है वो हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं. तो इसके जो डायमेंशंस हैं वो है 15, 10, 3.5. इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिलेगा, सो विच इज़ इक्वल टू 15 इंटू 35, विच इज़ इक्वल टू 525 सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद इसमें कोनिकल डिप्रेशंस किए गए हैं,
पेन स्टैंड बनाने के लिए। रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड इसका जो डेप्थ है वो है 1.4 सेंटीमीटर और इसे चार कोनिकल डिप्रेशन है। तो आपको इस टोटल वॉल्यूम में से ये चार कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सो दैट आपको इस वुड बनाने के लिए जो स्टैंड बनाने के लिए जो वुड लगने वाला है उसका जो मटेरियल है उसका जो वॉल्यूम है वो आपको मिल जाएगा। तो टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हमको चार कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम हटाना होगा। तो 4 × एक कोन का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच विच इज़ इक्वल टू 525 माइनस 4/3 पाई को लिखेंगे 22/7 इंटू 0.5 स्क्वायर इंटू 14 दैट इज़ 1.4 है यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं दिस इज़ 525 माइनस 4/3 इंटू 22 इंटू 0.5 का स्क्वायर यह आएगा 0.25 और इनटू 1.4/7 दैट इज 0.2। यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ दिस इज 525 माइनस अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ये 4 और 25 मल्टीप्लाई होगा 100 आएगा। दो डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो ये 1 बनेगा तो ये टर्म निकल गया बचा ये दोनों टर्म्स। तो 22 इंटू 0.2 दैट इज़ 4.4/3 विच इज़ इक्वल टू 523.53 सेंटीमीटर क्यूब।